बहुत बड़े दुख की बात है। एक हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाते थे, वो जायज़ आवाज़ उठाते थे, सही बोलते थे, और उनकी जो हत्या है ये बड़े दुख की घटना है, बड़ी पीड़ादायक है पूरे भारतवर्ष के लिए। और ये जो पहले सरकार थी अशोक गहलोत की, है उसका टोटली एंड एब्सोल्युटली फेलियर है। और काश ये बाबा की सरकार होती, योगी बाबा की, अभी तक तो सारों के बुलडोजर फेर देते बाबा, और इनको ऐसे ऐसी दंड देते, ऐसी सजा देते, इनके रिश्तेदार भी थर थर कांपते। सबसे बढ़िया समस्या का समाधान है बुलडोजर, जो कि कामयाब है पूरी यूपी में। मैं तो कह रहा हूँ अदर स्टेटों में भी ये कर देना चाहिए, हर मुख्यमंत्री ने इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इस फार्मूले को। सबसे बड़ा तुरंत, ना वकील, ना दलील, ना जलील, तुरंत जो भी गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे, रंगदारी करे, वसूली करे, हफ्ता वसूली करे, सालों को प्रॉपर्टी में बुलडोजर फेर दो। ओरे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, माया भी देखी, मुलायम भी देखा, देखा टोटी चोर, अरे सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया, यू अखिलेश चोर। ओरे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, बहन बेटियों की बचाई इज्जत तने बनके कृष्ण मुरार, जनमानस की करी सुरक्षा बनके थानेदार, अरे गांव गांव ये बिजली ले गया, घर घर दिए कनेक्शन। होए रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। भाई साहब धर्मराज एडवोकेट, कहाँ के रहने वाले हैं वकील? हम रहने वाले हरियाणा के हैं, बाकी दिल्ली में 44 साल से रह रहे हैं। दिल्ली में 44 साल से रह रहे हैं। हाँ, एडवोकेट हैं? हाँ जी। कितने सालों से वकील? एडवोकेसी को मेरे 44 साल हो गए, 24 साल हो गए, 20 साल मैंने एज ए टाइपिस्ट ही करी है, एज ए टाइपिस्ट। जयपुर में एक घटना घटी है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई है, जिसका एक बकायदा वीडियो वायरल हुआ, कुछ अपराधी भी पकड़े गए हैं, क्या क्या कहेंगे? बहुत बड़े दुख की बात है। एक हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाते थे, वो जायज़ आवाज़ उठाते थे, सही बोलते थे, और उनकी जो हत्या है ये बड़े दुख की घटना है, बड़ी पीड़ादायक है पूरे भारतवर्ष के लिए। और ये जो पहले सरकार थी अशोक गहलोत की, है उसका टोटली एंड एब्सोल्युटली फेलियर है। और काश ये बाबा की सरकार होती, योगी बाबा की, अभी तक तो सारों के बुलडोजर फेर देते बाबा, और इनको ऐसे ऐसी दंड देते, ऐसी सजा देते, इनके रिश्तेदार भी थर थर कांपते अपराधियों के। और जो नए आए हैं, अभी देखो वो तो अभी आए हैं, शपथ ली है, एक दिन हुआ है, और जो नए शपथ नहीं हुआ होने वाला, हाँ शपथ अभी हुई नहीं है, अभी तक वो मुख्यमंत्री नहीं है। जब तक वो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेंगे, गवर्नर शपथ नहीं दिलाएगा, तब तक वो अपना मंत्रिमंडल नहीं बनाएगा, तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं है। और जैसे ही मुख्यमंत्री है, मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, इन सारे अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर, जैसे भगवान कृष्ण ढूंढ ढूंढ कर मारते थे ना, इनको जो है कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए, और इनके मकानों पर, प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर फेर दिया जाए, बाबा योगी की तरह बुलडोजर फेर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, तहस नहस कर दी जाए इनकी बिल्डिंग, ताकि अपराध करने से पहले 100 बार सोचे आने वाले समय में। आपको लगता है कि बुलडोजर ही समस्या का समाधान है? सबसे बढ़िया समस्या का समाधान है बुलडोजर, जो कि कामयाब है पूरी यूपी में। मैं तो कह रहा हूँ अदर स्टेटों में भी ये कर देना चाहिए, हर मुख्यमंत्री ने इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इस फार्मूले को। सबसे बड़ा तुरंत, ना वकील, ना दलील, ना जलील, तुरंत जो भी गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे, रंगदारी करे, वसूली करे, हफ्ता वसूली करे, सालों को प्रॉपर्टी में बुलडोजर फेर दो। आप कह रहे थे कि योगी बाबा की सरकार होता तो बुलडोजर चल जाता, बुलडोजर चल के अभी तक तो तहस नहस हो जाता, और उसके बाद वो सारे पकड़े जाते, चाहे पताल लोक में भी क्यों ना छुप जाएं। अभी तो कई लोग पकड़े गए हैं। हाँ कई पकड़े गए हैं, जो दूसरे वो भी पकड़े जाने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिस तरह से जेएनयू में एक नारा लगाया गया था, ब्राह्मण और बनिया भगाओ,
दीवारों पर लिखा गया था। तो सबसे पहला व्यक्ति थे सुखदेव सिंह गोगामणी जिसकी हत्या की गई। उन्होंने कहा था कि अगर इनको भगाना है तो सबसे पहले क्षत्रिय के तलवारों से गुजरना होगा। उन्होंने सीधे तौर पर बनिया और ब्राह्मणों का सुरक्षा के लिए वादा किया था। ऐसे लोगों को हत्या कर देना कहीं ना कहीं क्या लगता है? उच्च विचार है, ऐसे उच्च विचार वालों की हत्या बड़े सारे हिंदुस्तान के लिए 140 के 140 करोड़ के व्यक्तियों के लिए दुख की घटना है, पीड़ा की घटना है, ये बहुत दुखदायी घटना है ये। और जो जिन्होंने भी किया है ये अपराध और जिन्होंने साथ दिया है इनको बिल्कुल सख्त से सख्त दंड दिया जाए, सख्त से सख्त दंड दिया जाए। हाँ, इनको फांसी तोड़ा जाए। फांसी? हाँ, फांसी से हो जाएगा? हाँ, फांसी होनी चाहिए इनको। धरती के ऊपर हिंदुस्तान की, इस भारत माता की धरती के ऊपर जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या नियम कानून कहता है कि फांसी होगा? जिस तरह से क्राइम हुआ है, दिन दहाड़े गोली मारी। हाँ, तो पकड़े हैं तो यो जिस तरह से मारा है, निर्मम हत्या की है, तो फांसी दे सकता है, कानून दे सकता है। लाल चौक पर सबसे पहले झंडा फहराने वाले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति प्रेम था, उसके बाद भी हत्या की गई, तो क्या राष्ट्र को क्षति पहुंचा? ये जो एंटी सोशल है या देश विरोधी ताकतें हैं ये ऐसा करते हैं, ये 77 साल से यही कर रहे हैं। कितने कश्मीरी ब्राह्मणों को मारा था वहाँ, जबकि कश्मीरी ब्राह्मण 0% क्राइम में 0% है। पूरे भारत में क्राइम में सबसे 1% भी क्राइम नहीं करते कश्मीरी ब्राह्मण, और विश्व की सबसे बुद्धिजीवी कम्युनिटी कश्मीरी ब्राह्मण है। अमेरिका ने सर्वे कराया था कि विश्व में ऐसी कौन सी कम्युनिटी है, बिरादरी है, जो सबसे इंटेलेक्चुअल होती है, तो कश्मीरी ब्राह्मण पाए थे। उस जगह पे लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे सुखदेव सिंह गोगामणी जिसकी हत्या की गई। हाँ, तो ये आतंकवादी टाइप के लोग हैं, आतंकवादी ही हैं ये। कौन आतंकवादी? आतंकवादी ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये हिंदुत्व को तोड़ना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, इनका मकसद एक ही है। आप कह रहे थे कि बाबा की सरकार होता तो बुलडोजर चलता, वहाँ भी अब बीजेपी की सरकार बन गई है, कल शपथ हो? देखो, अभी आई है, नए नए जुम्मे कितने हैं, अभी तो वो मुख्यमंत्री की शपथ भी नहीं ली है, शपथ लेंगे, मंत्रालय आएगा, तो ये हम उम्मीद करते हैं बाबा योगीनाथ बाबा की तर्ज पे और उसी फार्मूले से ये नए मुख्यमंत्री शर्मा जी कार्य करें। शर्मा जी को क्या कहेंगे, नए मुख्यमंत्री बने हैं इस तरह की घटना पर? सबसे पहले जो है लगाम लगाया जाए क्राइम पे, क्रिमिनल जो है वो नहीं बचने चाहिए किसी तरह भी, और पुलिस को टाइट करना चाहिए, और जो फोर्स है हमारे हिंदुस्तान में 18 बटालियन है, तरह तरह की पुलिस है, 18 बटालियन है होम मिनिस्ट्री के अंदर, उसको टाइट से टाइट करके रखना चाहिए, जैसे बाबा ने रख रखा है। बाबा ने पुलिस को ऐसा टाइट करके है, जो पुलिस का काम है 24 घंटे करने की ड्यूटी है, बाबा 24 घंटे ड्यूटी लेता है पुलिस से, चाहे पुलिस वाले इस बात से दुखी हों, उनसे पुलिस का काम लेता है जो पुलिस ने काम करना चाहिए। बाबा से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है, आपका गाना भी वायरल होते रहता है, क्या गाना कुछ नए सीएम के लिए है राजस्थान के? अभी तो आए हैं वो। अच्छा, तो बाबा के लिए क्या है? सुन, पूजा है, ये कर्म भूमि है भारत, क्रम के अनुसार जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में गाना आपका वायरल होते रहता है, क्या कहेंगे अगर वो उनकी जगह पे? आप कह रहे बार बार कि अगर वो उनकी सरकार में ऐसा होता तो सीधे बुलडोजर चलता, तो क्या गाना है उनके लिए? अभी तक तो बुलडोजर चल जाता और जेल के अंदर होते अभी तक सारे अपराधी। हाँ, क्या गाना है सुना? ओह रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, माया भी देखी, मुलायम भी देखा, देखा टोटी चोर, अरे सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। होए रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, बहन बेटियों की
बचाई इज्जत तने बनके कृष्ण मुरार, जनमानस की करी सुरक्षा बनके थानेदार। अरे गांव गांव ये बिजली ले गया, घर घर दिए कनेक्शन, हो रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। 2500 साल पहले हमारे देश के राजा हुए वीर विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य की तर्ज पे, विक्रमादित्य की तर्ज पे बाबा योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ, उन्हीं की तर्ज पे चल रहे हैं। एक अंतिम रूप से क्या मैसेज देंगे घटना के ऊपर, किस तरह का कार्रवाई, लास्ट मैसेज? इसका लास्ट मैसेज ये है, जो ये अपराधी है इसमें लिप्त है, जिन्होंने कराया है, जिसने किया है, चाहे कितना ही कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता हो, उनको सबको जेल में ठोका जाए और उनको फांसी पर तोड़ा जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब।